يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. मेरे मोहतरम दीनी भाइयों, ये 30वें पारे की सूरत ज़ुहा है। इस सूरत का शान नुज़ूल पहले सुन लीजिए कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली मुबारक के अंदर कोई जख्म आ गया जिससे खून बहने लगा। उसके बाद ये हुआ कि एक दो दिन आप तहज्जुद में उठ नहीं पाए और वही का सिलसिला भी रुक गया। जो हज़रत जिब्राइल आपके पास वही लेकर आते थे वो वही का सिलसिला भी रुक गया। तो मुशरिकीन मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना देना शुरू कर दिए कि ये मोहम्मद जो अभी अपने आप को नबी होने का दावा करते थे, लगता है कि उनके अल्लाह ने उनको छोड़ दी। ऐसे गलत गलत बातें अल्लाह के रसूल के बारे में उन्होंने करना शुरू कर दी कि इनके अल्लाह ने इनको छोड़ दिया, इसीलिए तो इनके ऊपर वही नहीं आते। मुशरिकीन मक्का भी इस तरह की बात करते थे, यहाँ तक कि अबू जहल की बीवी जिसका नाम उम्मे जमील था, वो उम्मे जमील भी इस तरह की बातें करती थी कि मोहम्मद को उनके अल्लाह ने छोड़ दिया है, इसीलिए अब इनके ऊपर वही नहीं आती। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस बात को लेकर अंदर अंदर कुड़ रहे थे कि आखिर क्या बात है, वही के सिलसिले को अल्लाह ने रोक दिया। तब अल्लाह ने इन आयतों को उतारा जिसमें अल्लाह ने चाश्त के वक्त की कसम खाई, वल्लैल इज़ा सजा, और रात की कसम खाई जब रात छा जाए। ये दो कसम खाने के बाद अल्लाह ने फरमाया, मा वद्दअक रब्बुका व मा क़ला, आपके रब ने आपको छोड़ा भी नहीं है कि आपका रब आपसे बेजार भी नहीं हुआ। ये मोहम्मद, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके अल्लाह ने आपको बिल्कुल छोड़ा नहीं है। वलल आखिरत खैरुल लक मिनल उला, और यकीनन आपका अंजाम आखिरत के एतबार से पहले के मुकाबले में बेहतर भी होगा। वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, और आपका रब आपको उतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। अब क्या देगा, दुनिया की तो अल्लाह के रसूल को ज़रूरत ही नहीं थी कि भाई अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से दुनिया मांगी हो, दुनिया की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, बस दीन की ज़रूरत थी। चुनांचे जब यह आयत उतरी, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, कि आपका रब ए मोहम्मद आपको उतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं भी उस वक्त तक राज़ी नहीं होऊंगा जब तक कि एक एक उम्मती को जन्नत में दाखिल न करा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी उम्मत के एक एक आदमी को जन्नत में दाखिल न करा दो तब तक मैं राज़ी नहीं होऊंगा, क्योंकि अल्लाह मुझे बार बार पूछेंगे, अतर हो या मोहम्मद, ए मोहम्मद क्या आप खुश हो गए, क्या आप राज़ी हो गए। मैं कहूँगा नहीं, अगर मेरी उम्मत का एक आदमी भी जहन्नम में होगा उसको निकाल कर जन्नत में दाखिल न कराऊँ तब तक मैं भी राज़ी नहीं हूँ। कितनी बड़ी बात है मेरे भाई। उसी को अल्लाह फरमाते, अलम यजिदका यतीमन फआवा, इन मुशरिकीन के बातों से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। जैसे चाश्त का वक्त होता है, वो गुजर जाता है तो रात आ जाती है, रात छा जाती है, रात गुजर जाती है तो फिर सूरज रोशन हो जाता है। तो ये रात का आना, रात का गायब हो जाना, उसका मतलब ये थोड़े है कि अल्लाह उससे नाराज़ है। अगर वही के सिलसिले को हमने किसी वजह से रोक दिया था तो मुशरिकीन मक्का जो आपको सताने के लिए, आपको
आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए जो इस तरह की बातें करते हैं कि मोहम्मद को उनके अल्लाह ने छोड़ दिया, तो इन बातों से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप अपने बारे में सोचो, अलम यजिद के यतीमन फआवा, क्या आप यतीम नहीं थे? हमने आपको ठिकाना दिया, आपकी पैदाइश से पहले आपके वालिद का साया सर से उठा दिया, आप 6 साल के थे क्या, माँ अमीना भी अल्लाह को प्यारी हो गई, आप 8 साल के हुए तो दादा अब्दुल मुत्तलिब भी अल्लाह को प्यारे हो गए, फिर भी हमने आपको अकेला नहीं छोड़ा। आपके चचा अबू तालिब के दिल में आपका प्यार इतना डाल दिया कि अबू तालिब अपने हकीकी बेटों से ज़्यादा आपका ख्याल रखते थे। यहाँ तक कि 40 साल की उम्र में जब आपको नबूवत मिली तो उन्होंने, अबू तालिब ने तो इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद सपोर्टर बन के हमेशा आपके साथ खड़े रहे। मुशरिकीन मक्का में किसी की हिम्मत नहीं थी कि अबू तालिब के होते हुए मोहम्मद की तरफ आँख उठाकर भी देखें। और चलो अबू तालिब का जब इंतकाल हो गया तो उसके बाद हमने आपको मदीना हिजरत करने को कहा, और मदीना के 2 बड़े बड़े कबीले औस और खजरज, औस और खजरज ये मदीना के बड़े बड़े कबीले थे, बड़े सरदार कबीले, हमने उनको तैयार किया, उन्होंने आपका वेलकम किया और मदीना में आपको बड़े इज्जत और एहतराम से रखा। आप तो यतीम थे, इस एक यतीम का इतना ख्याल रखना, अल्लाह फरमाते किसने किया, ये मोहम्मद हमने किया, अलम यजिद का यतीमन फआवा, क्या आप यतीम नहीं थे कि हमने आपको ठिकाना दिया, वजदक ज़ालन फहदा, और आप नहीं जानते थे शरीयत के बारे में, शरीयत के नए अहकाम के बारे में, अल्लाह नई शरीयत जो कुरान की रोशनी में उतारने वाले थे उसको आप नहीं जानते थे, हमने आपको बताया, ये शरीयत तो हमने आपको बताई थी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इससे पहले आप कहाँ जानते थे, आप तो उम्मीद थे, आप तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, आपको तो अपने हाथ से अपना नाम लिखना भी नहीं आता था, लेकिन उसी उम्मीद को हमने ऐसा बना दिया कि दुनिया पूरी की पूरी अगर इल्म सीखती है तो उसी मोहम्मद रसूलल्लाह से सीखती। तो अल्लाह फरमाते आप शरीयत को नहीं जानते थे, हमने आपको बताया, वजदका, और आप गरीब थे, मोहताज थे, हमने आपको गनी बनाया, हमने आपको मालदार बनाया। देखिए आप जैसे ही बड़े हुए, अपने पैरों पर खड़ा होना था, 25 साल की उम्र के अंदर आदमी शादी करता है, शादी के बाद जिम्मेदारियां आती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना होता है, तो उस वक्त आपने पहली मर्तबा बीबी खदीजा का कारोबार किया, कि भाई पैसा बीबी खदीजा का, मेहनत मोहम्मद रसूल अल्लाह की, उसको बेय मुजारबत कहते हैं, शिरकत वाली बेय करना, तो आपने बेय मुजारबत की, हमने उसमें बरकत दी, और ऐसी बरकत दी कि बाद में उसी बीबी खदीजा ने आपसे शादी कर दी, पूरा का पूरा माल आपके पास आ गया। तो अल्लाह फरमाते हैं कि वजदक आइलन फअगना, आप तंगदस्त थे, हमने आपको तवंदर बनाया, मालदार बनाया, फअम्मल यतीम फला तकहर वअम्मस्साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिथ। अल्लाह ने अपने नबी को 3 एहसान याद दिलाए और उसके बाद 3 कामों को करने का कहा। 3 एहसान क्या याद दिलाए, पहले तो ये कि आप यतीम थे, हमने आपको ठिकाना दिया, आप शरीयत के उलूम को नहीं जानते थे, हमने आपको बताए, और आप तंदरुस्त थे, हमने आपको तवंगर बनाया, मालदार बनाया। अब आपको 3 काम करना है, वह अम्मल यतीम फला तकहर, यतीम के माल को कोई हड़प न कर जाए उसका आपको पूरा ख्याल रखना है। यतीम के साथ बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, यतीम के साथ बेहुर्मती नहीं होनी चाहिए। आप अपनी यतीमी को याद करो कि आपकी यतीमी कैसे थी, आपकी यतीमी के पैदा हुए तो बाप का साया उठा दिया, घुटरू चले तो दादा आदम को रवाना थे, मादर हम यूं होते गए जुदा, साये पसंद आए न परवरदिगार को, बेसाया कर दिया इस सायेदार को। आप अपनी यतीमी को याद करो कि जब आप यतीम थे तो हमने आपको कितना सपोर्ट किया था। तो इस तरीके से दुनिया में अगर कोई और यतीम आपको नज़र आए तो आप भी उसका ऐसा ही ख्याल रखो। वह अम्मस्साइल फला तनहर, और मांगने वाले को झिड़को मत। मांगना बहुत सारे तरीकों का होता है, कोई रुपया पैसा मांगता है, कोई आपके पास आके इल्म मांगता है, कोई नई मसला मसाइल जानना चाहता है, कोई चीज़ आपसे मालूम करना चाहता है, इल्म का सवाल करता है, कोई रुपये पैसे का सवाल करता है, तो अल्लाह ने फरमाया कि झिड़को मत, अपनी गरीबी को याद करो।
किसी को झिड़को मत, अगर आप देते हैं दे दीजिए, अगर आपको नहीं देना है किसी को तो कोई बात नहीं, चलते बनिए, लेकिन किसी को झिड़कना, किसी को जलील करना, किसी को धक्का मार के दरवाजे से निकालना, ये तमाम इस्लामी तरीकों में नहीं है। और तीसरा हुक्म अल्लाह ने दिया, वह अम्मा बिनियामत रब्बिक फहद्दिस, और अपने रब की नियामतों को याद करो। अपने रब की नियामतों को याद करने का मतलब ये है कि अगर किसी आदमी ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया हो तो तुम्हारे ज़रूरी है कि तुम उसके एहसान को चुकाओ। हाँ, तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि उस एहसान का बदला दे सको, तो कम से कम लोगों के बीच में उसकी तारीफ करो, उसकी पीठ के पीछे उसकी तारीफ करो, बुराई नहीं, उसकी तारीफ करोगे यार कितना अच्छा आदमी, जब मुझे ज़रूरत थी तब इस आदमी ने मुझे सपोर्ट किया। दो चार लोगों के सामने उसकी अच्छाई को बयान करो, ये भी गोया कि किसी ने अगर आप पर एहसान किया है तो एहसान को उतारने का एक तरीका है। किसी के एहसान को बाकी न रखो, अल्लाह को वो बंदे पसंद हैं जो अल्लाह की नियामतों पर शुक्रगुजार होते हैं, और जो बंदा उन पर एहसान करता है तो उसकी नियामत का शुक्र अदा करते हैं। अरबी में कहावत मशहूर है, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं होता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं है। अगर कोई आदमी आप पर एहसान करता है तो उसका शुक्रिया अदा करो, अगर आप लोगों के शुक्रगुजार नहीं है तो आप अल्लाह के भी शुक्रगुजार हो सकते नहीं हैं। तो अल्लाह ने इस सूरत के अंदर इसी बात की तालीम दी है। ये वज़ुहा से लेकर अखीर तक सूरह नास तक जितनी भी सूरतें हैं, तकरीबन 20 के करीब सूरतें होती हैं, इन सूरतों के बारे में मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब भी ये सूरत पढ़ो, पढ़ना शुरू करो या फिर ये सूरत ख़त्म करो, तो उस वक्त अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर पढ़ा करो, क्योंकि इन सूरतों में अल्लाह ने अपनी किबरियाई को, मोहम्मद रसूलल्लाह की तारीफ को, और अपनी क़यामत के मौके पर अपनी निशानियां और अपनी कुदरत को बयान किया। इसलिए जब भी इन सूरतों को पढ़ो या सूरत को ख़त्म करो तो अपनी ज़ुबान से अल्लाहु अकबर ज़रूर निकलना चाहिए। अब उसके बाद दूसरी सूरत है मेरे भाइयों, अलम नशरा। अलम नशरा सूरत जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को फरमाते, अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने तेरे सीने को खोल नहीं दिया, हमने आपके सीने को खोल नहीं दिया, वज़अना अनका विज़रक, और हमने आपके ऊपर से बोझ को उतार नहीं दिया, अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, जिसकी वजह से तुम्हारी पीठ टेढ़ी हो गई थी। यानी इस आयत का मतलब यह है कि कभी कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ के बारे में अच्छा समझकर किसी चीज़ का फैसला कर लेते थे, कोई काम कर लेते थे, बाद में पता चलता था कि ये काम मसलिहत के ख़िलाफ़ था, नहीं करना चाहिए था, तो इस बात को लेकर अल्लाह के रसूल को दिमाग पर बोझ रहता था। हालांकि आप तो बख्शे बख्शे आए थे, अल्लाह ने सब माफ़ कर रखा था, लेकिन कोई डिसीज़न रॉन्ग हो जाने की वजह से अल्लाह के रसूल को दिमाग पर उसका बोझ रहता था। मसलन मैं आपको बताऊं, अब्दुल्ला इब्ने उबे सलूल मुनाफिक, जो मदीना में मुनाफिकों का सरदार था, बड़ा चालाक आदमी था, मरते वक्त अपने बेटे को क्या कह रहा है कि मेरी मौत से पहले पहले तो मोहम्मद रसूलल्लाह के पास जाना और कहना कि आप अपना कुर्ता दे दो, मेरे अब्बा आपके कुर्ते में कफन पहनना चाहते, और मैं मर जाऊँ तो उसके बाद जाके मोहम्मद रसूलल्लाह से कहना कि मेरे अब्बा की नमाज जनाजा आप पढ़ाओ। हालांकि अल्लाह के रसूल जानते थे कि एक नंबर का बदमाश है, मदीना में मुनाफिकों का सरदार है, लेकिन उसका बेटा आया तो अल्लाह के रसूल तो रहम करम वाले नबी थे, आपने फौरन अपना कुर्ता उतार के दे दिया और उसको उसमें कफन पहनाया गया। जब मर गया तो उसका बेटा आके ज़ारो कतार रोते हुए अल्लाह के रसूल से कहने लगा, या रसूल अल्लाह आपको ही मेरे अब्बा की नमाज जनाजा पढ़ानी है, उनकी वसीयत। हालांकि कितने सहाबा ने मना किया कि या रसूलल्लाह आप मत जाइए, आप जानते हैं कि वो मुनाफिकों का सरदार है, अगर आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे तो दीगर मुनाफिक जो मदीना में हैं उनके हौसले बड़े हो जाएंगे, वो समझेंगे कि मुनाफिक होना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि अगर हमारा सरदार देखो अल्लाह के रसूल ने आके खुद उसकी नमाज पढ़ाई। कितने सहाबा ने मना किया, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब एक आदमी आया है, मरते वक्त बेचारे के दिल का अरमान था, मैं उसके अरमान को कैसे रोक सकता हूँ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। अल्लाह ने फौरन आयत उतारी, जब वापस आए, फरीहल मुखल्लफून बिमा कादिहिम खिलाफ रसूलिल्लाह व करीहु, 10वें पारे की आयत है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ानी चाहिए थी,
आपके सहाबा जो आपको रोकते थे वो बिल्कुल बराबर कर रहे थे। तो ऐसा कभी कभी रॉन्ग डिसीजन हुआ है, और इस बात को लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिमाग पर बोझ रहता था कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे चुप हो गई। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा दे, या मोहम्मद आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप तो लोगों की अच्छाई के लिए करते हैं, आप तो लोगों की अच्छाई के लिए करते हैं, लिहाजा अगर कोई बात मसलिहत के खिलाफ हो जाए तो आपको घबराने की या दिल पर ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, हमने आपको पहले से माफ कर रखा है। उसी को अल्लाह फरमाते हैं अलम नशरह लका सदरक, कि हमने आपके सीने को खोल नहीं दिया, वज़अना अनका विज़रक, और हमने आपके ऊपर से बोझ उतार नहीं दिया जिस बोझ को आप दिमाग पे लेके घूमते थे, अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, जिसकी वजह से आपकी पीठ भी टेढ़ी हो जाती थी, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को भी ऊँचा कर दिया, हमने आपके नाम को कितना ऊँचा किया, जहाँ जहाँ अल्लाह का नाम वहाँ वहाँ मोहम्मद का नाम। चुनांचे देखिए पहला कलमा कलमे तैयबा किसको कहा, अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता है, मोहम्मद रसूलल्लाह को नहीं मानता है, वो ईमान वाला नहीं, वो काफिर। चाहे वो ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता है लेकिन मोहम्मद रसूलल्लाह को भी मानना है, दोनों लाजिम मलजूम है। और फरमाया चार कायद पर अजान में अल्लाह के का अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की मुअज्जिन गवाही देता है, वही दूसरे जुमले में मुअज्जिन गवाही देता है अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो अल्लाह फरमाते वरफअना लक ज़िक्रक, हमने आपके नाम को ऊंचा कर दिया, लिहाजा फइन्नमा अल उसरी युसरा, इन्नमा अल उसरी युसरा, अगर कोई मुश्किलियां आती हैं तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, उस मुश्किली के बाद फौरन आसानी। इसलिए अरबी में एक शेर है, इज़्तद्दत बिकल बलवा फफक्किर फी अलम नशरा फउसरुम बैन युसरैनी इज़ा फक्कर तहु फफरा, बहुत प्यारा शेर है ये, हम लोग पढ़े बचपन में उसको याद करते थे पढ़ने के ज़माने में, और बड़े शौक से उसको पढ़ते थे। इज़्तद्दत बिकल बलवा फफक्किर फी अलम नशरा, जब तू अपने आप को मुसीबतों में घिरा हुआ देखे तो फौरन अलम नशरा में गौर फिक्र कर, या अलम नशरा सूरत के बारे में कहा, जब भी तू अपने आप को मुसीबतों में घिरा हुआ देखे तो अलम नशरा में गौर फिक्र कर, फउसरुम बैन युसरैनी इज़ा फक्कर तहु फफरा, यानी कि याद रख मुश्किलें अगर हैं तो अल्लाह ने उससे पहले भी आसानी रखी है, उसके बाद भी आसानी रखी, जब इस बात को सोच ले समझ ले तो खुश हो जा। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को फरमा रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक मुश्किली है दो दो आसानियाँ हैं, एक मुश्किली दो आसानी पर गालिब नहीं आ सकती। फ़ैज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, बस जब तू फारिग हो जाए तो इबादत में मेहनत कर, ये दुनिया वालों की ताने की तरफ बात की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इबादत के अंदर गौर फिक्र कर, व इला रब्बिका फ़रग़ब, और अपने रब की तरफ दिल लगा कर रख, तुझे अपने रब की तरफ दिल लगाने की ज़रूरत है, दुनिया वालों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तीसरी सूरत है, तीसरी सूरत वत्तीन वस्सैतून है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने चार चीज़ों की कसम खाई, वत्तीन वस्सैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। वत्तीन, तीन कहते हैं आज के ज़माने की अंजीर को, जैसे अंजीर होता है अल्लाह ने उस अंजीर की कसम खाई, वस्सैतून अल्लाह ने जैतून की कसम खाई, वतूर सीनीन और तूर सेना की कसम खाई। तूरे सेना उस पहाड़ को कहा जाता है जिस पहाड़ के ऊपर जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से डायरेक्ट बात किया करते थे, तो अल्लाह ने उस तूरे सेना की कसम खाई है, वहाँ अदल बलदिल अमीन, और इस मुबारक शहर की यानी मक्का में कुरान उतर रहा है तो अल्लाह ने मक्का की कसम खाई, जैतून की कसम खाई, इंजीर की कसम खाई, इसलिए कि ये दोनों फल इंजीर और जैतून ये दोनों ऐसे चीज़ हैं कि जिनके अंदर अल्लाह ने बहुत सारे फ़ायदे रखे, इसलिए अल्लाह ने इसकी कसम खाई। और बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये अंजीर और जैतून ये दोनों फ़लस्तीन के करीब में ज़्यादा पाए जाते हैं, फ़लस्तीन का जो इलाका है वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं, तो अल्लाह अंजीर और जैतून का नाम लेकर अल्लाह फ़लस्तीन के इलाके की कसम खा रही है, क्योंकि वो इलाका जो मुल्क शाम का इलाका है वो नबियों का इलाका है, ज़्यादातर अम्बिया वहाँ पर दफन है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हम सब के दादा थे वो भी ओरिजिनल वही के थे, अल्लाह ने बाद में उनको मक्का की तरफ हिजरत करवाई, इसलिए अल्लाह ने गोया के फ़लस्तीन के पूरे इलाके की, क्योंकि उसकी चारों तरफ बरकत है। 15वें पारे में आपने पढ़ा, सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिहि लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी हौला बारकना हौला,
हमने अपने नबी को मस्जिद अक्सा से चलाया। कौन सी मस्जिद अक्सा? बारकना हौला, जिसकी चारों तरफ हमने बरकतें उतारी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कौन सी मस्जिद अक्सा? अरे वो मस्जिद अक्सा जिसकी चारों तरफ हमने बरकतों को उतारा। तो पता चला वो बड़ा बरकतों वाला इलाका है, इसलिए अल्लाह ने उसकी कसम खाई। और कसम खाने के बाद फरमाते हैं लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, हमने इंसान को बेहतरीन साचे में ढाला है। इंसान से ज्यादा प्यारी खूबसूरत मखलूक हमने दुनिया में पैदा ही नहीं, पूरी दुनिया में कोई इंसान से ज्यादा खूबसूरत है ही नहीं। चुनांचे एक वाकया बयान किया जाता है खलीफे मंसूर के ज़माने का। खलीफे मंसूर के ज़माने में उनका एक वजीर था, एक मरतबा अपनी बीवी के साथ घर की छत के ऊपर बैठा हुआ था। रात का वक्त था, चांदनियाँ चमक रही थी और पूरा का पूरा चांद रोशन था। उर्दू 15 तारीख होगी तो पूरा चांद रोशन था, माहे कामिल और चांदनियाँ चमक रही थी। तो अपनी बीवी को कहा कि खुदाए पाक की कसम तुम इस चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत। अपनी बीवी को फर्द मोहब्बत में कह रहा कि तुम इस चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, और सुनो अगर तुम इस चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत ना हो तो तुम्हें 3 तलाक। अब बीवी ने सुना कि इसने तो मुझे तलाक दे दिया और कहा चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत। गुजराती में अपनी कहावत में कहता है लवाड़ो तो कर ही दी तो, लेकिन बाद में अफसोस हुआ, प्यार प्यार में तो बहुत कुछ बोल लिया, बीवी तो पर्दे में चली गई। अब खलीफे मंसूर के उस वजीर ने मोहब्बत के तेश में आके बोल तो दिया था, लेकिन बाद में पता चला ओ ये क्या हो गया, मैंने तो बीवी को यूं कह दिया तू चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत है और अगर नहीं है तो 3 तलाक। चुनांचे सुबह उठ के खलीफे मंसूर के सामने अपना मसला बयान किया कि क्या किया जाए। खलीफा ने अपने वक्त के बड़े बड़े उलेमाए किराम, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम, क्योंकि वो बगदाद का ज़माना था और उस ज़माने में इल्म पनप रहा था, बगदाद से पूरी दुनिया में इल्म फैल रहा था, बड़े बड़े काजी और बड़े बड़े जस्टिस उस ज़माने में वहाँ मिला करते थे। तो खलीफे मंसूर ने बड़े बड़े काजियों को बुलाया और कहा कि भाई क्या किया जाए, देखो इन्होंने अपनी बीवी को कहा है कि तू अगर चांद से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है तो तुझे 3 तलाक। तो लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत चांद से ज़्यादा तो खूबसूरत कहाँ से हो सकती, चांद पूरी दुनिया को रोशन करता है, ये अपने ही घर को रोशन करे तो बहुत बड़ी बात है, लिहाजा तलाक तो हो ही जाएगी। कोई मुफ्तियाँ ने किराम ये कहने के लिए तैयार नहीं, सबका कहना था कि तलाक हो जाएगी। कोने में एक मुफ्ती साहब बैठे थे, खलीफे मंसूर ने पूछा कि आप कुछ नहीं कह रहे हो? वो कौन थे? इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे, इमाम मोहम्मद थे। इमाम मोहम्मद से पूछा, हम हनफियों के इमाम, उनसे पूछा कि भाई आप नहीं कह रहे कुछ? कहा कि मैं कहता हूँ तलाक नहीं होगी। तो तमाम बगदाद के बड़े बड़े मुफ्ती एक तरफ यूँ कह रहे हैं कि भाई तलाक हो गई, और इमाम मोहम्मद अकेले एक तरफ बैठे और यूँ कह रहे हैं कि नहीं नहीं तलाक नहीं होगी। कहा क्यों? कहा कुरान करीम नहीं पढ़ते? कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, इंसान को मैंने अपनी तमाम मखलूकात में सबसे ज़्यादा टॉपर बनाया है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाया है, चांद सूरज सितारे उसके सामने कुछ नहीं। तमाम मुफ्तियाने किराम के कानों में जब ये आयत गई तो फौरन अपने सरों पे हाथ रख दिया कि बात तो बिल्कुल सही है, हमारा तो ध्यान ही नहीं गया था इसकी तरफ। तो पता चला मेरे भाइयों, इंसान से ज़्यादा खूबसूरत इस कायनात के अंदर कोई नहीं है। अगर वो इंसान अपनी खूबसूरती को न समझे तो वो अलग बात है, इंसान अपनी हैसियत तो अगर न समझे तो फिर अलग बात है। अल्लाह ने 4 चीज़ों की कसम खाई, अंजीर की, जैतून की, और इसी तरीके से पूरे सेना की और मक्का की, 4 चीज़ों की कसम खाने के बाद फरमाया कि इंसान को हमने बेहतरीन साँचे में बनाया है। फिर आगे फरमाया सुम्मा रददना हु असफल साफिनीन, फिर वही इंसान जब बूढ़ा हो जाता है, वही इंसान जब बूढ़ा हो जाता है और ईमान जैसी चीज़ से महरूम होता है, तो अल्लाह फरमाते हैं कि उसी इंसान को जिसको हमने बेहतरीन बनाया था, हमने उसको असफल साफिलीन में डाल दिया, यानी जहन्नम के बिल्कुल आखिरी दर्जे में डाल दिया, क्योंकि ईमान जैसी जब इस चीज़ इसके पास नहीं है। हाँ, अगर ईमान है इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए वअमिलुस्सालिहात और नेक अमल किए, फलहुम अजरुन गैरु ममनून, तो उनके लिए तो बेहिसाब अजर है। फमा युकज़्ज़िबुका बादु बिद्दीन, इतना सब तुम्हें बता दिया तो इसके बाद फिर कौन सी चीज़ है कि जिसकी वजह से तुम कयामत का इनकार करते? कयामत का इनकार करने का कोई रीज़न, कोई वजह तुम्हारे पास है? हमने तुम्हें सब बता दिया कि हमने कैसे इंसान को बनाया, कैसा वो इंसान जवान होता है, फिर कैसे वो बूढ़ा होता है, जिस जवानी के अंदर उसके चर्चे होते हैं, बुढ़ापे के अंदर उसका कोई पुरसान हाल नहीं होता।
तो ये उतार चढ़ाव जब इंसान की अपनी जिंदगी के अंदर है तो अल्लाह फरमाते हैं कि इससे ज्यादा कयामत को समझने के लिए और क्या चाहिए तुम्हें, फिर कौन सी चीज है कि तुम कयामत का इनकार करते हो। अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह अहकमुल हाकिमीन नहीं है? अल्लाह ताला खुद सवाल करते हैं, इन्हें कहो कि सबसे बड़ा फैसला करने वाला अहकमुल हाकिमीन क्या अल्लाह नहीं है? चुनांचे मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब यह आयत नाजिल हुई तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम यह आयत पढ़ो अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, तो उस वक्त फौरन जवाब दो, क्योंकि ये अल्लाह सवाल कर रहे हैं हमसे कि क्या तुम्हारा अल्लाह अहकमुल हाकिमीन नहीं है? तो तुम जवाब दो, चाहे जौन सी जुबान में आता हो, हाँ हमारा अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, हम इस बात की गवाही देते। हालांकि अरबी में है कि अना अला ज़ालिक मिनश शाहिदीन, बला क्यों नहीं, मेरा अल्लाह ही अहकमुल हाकिमीन है और मैं इस बात पर गवाह। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर उसके बाद मेरे भाइयों सूरतुल अलक, ये सूरतुल अलक वो है कि जिसकी पांच आयतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अल्लाह के रसूल की उम्र 40 साल के करीब की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा गौर व फिक्र में रहते थे, दुनिया की चीज़ों में गौर व फिक्र करते, कभी कभी घर से खाने पीने का सामान लेकर गारे हीरा में चले जाते, वहाँ पर बैठे रहते तीन तीन दिन, चार चार दिन, और अल्लाह की मखलूकात में गौर व फिक्र करते थे। ऐसे ही एक दिन गारे हीरा में बैठे हुए अल्लाह के तरफ गौर व फिक्र कर रहे हैं कि अचानक अल्लाह का एक फरिश्ता नजर आया अपनी ओरिजिनल शक्ल में, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ओरिजिनल शक्ल में बिल्कुल लंबा चौड़ा आसमानों में फैला हुआ, दाएं बाएं फैला हुआ, और आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि पढ़ो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया माँ नबी कारीन, मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं तो उम्मी आदमी। तो हजरत जिब्राइल ने अल्लाह के रसूल को अपने सीने के साथ लगाकर दबोचा, फिर छोड़ दिया और कहा कि पढ़ो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया माँ नबी कारीन, मैं पढ़ना नहीं जानता। तीन मरतबा ऐसा हजरत जिब्राइल ने किया और तीसरी मरतबा जब छोड़ा तो हजरत जिब्राइल ने खुद कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم। ये पांच आयतें पहली मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी जिसमें अल्लाह फरमाते पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया, خلق الانسان من علق, इंसान को खून के लोथड़े से बनाया, اقرا وربك الاكرم, पढ़िए आपका रब बहुत बड़ा है, الذي علم بالقلم, जिसने इंसानों को कलम से इल्म सिखाया, علم الانسان ما لم يعلم, इंसानों को वो बातें सिखाई जो इंसान उससे पहले नहीं जानता। ये पांच आयतें पहली मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की शक्ल में नाज़िल हुई। अल्लाह के रसूल ने हजरत जिब्राइल को ओरिजिनल शक्ल में देखा था, घबरा गए, फौरन घर आए, और घर आने के बाद हजरत खदीजतुल कुबरा से कहा सब मिलोनी, मुझे चादर ओढ़ाओ। तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने आपको चादर ओढ़ाई और कहा कि आप आराम करो, आपके पास बैठ गए। अल्लाह के रसूल से पूछा कि क्या बात है, तो अल्लाह के रसूल ने पूरा वाकया सुनाया कि आज गारे हीरा में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरी जान तो नहीं निकल जाएगी। तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने क्या क्या जुमला तसल्ली का कहा था। इसीलिए कहते हैं ना मेरे भाइयों, लाइफ पार्टनर बीवी जो होती है ना, अगर उसका सपोर्ट इंसान को अपनी रूटीन लाइफ के अंदर अगर मिलता है तो वो पूरी दुनिया से लड़ लेता है, और अगर वो पूरी दुनिया से लड़ के आए घर में ही अगर सपोर्ट ना मिले तो वो आदमी हार जाता है। इसीलिए कहते हैं सबसे बड़े सपोर्ट की ज़रूरत इंसान को दुनियावी ज़िंदगी के अंदर अपने घर में अपनी बीवी की, अपने लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है। हज़रत खदीजतुल कुबरा क्या फरमाती है अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे अपनी जान का खौफ है। तो हज़रत खदीजा ने कहा कि हुजूर आप खुश हो जाइए, खुदा की कसम अल्लाह ताला आपको हरगिज़ रुसवा नहीं करेगा। हज़रत खदीजा अल्लाह के रसूल को तसल्ली दे रही है, ए अल्लाह के रसूल खुदा की कसम अल्लाह आपको हरगिज़ रुसवा नहीं करेगा, आप तो सिला रहमी करते हैं, सच्ची बातें करते हैं, दूसरों का बोझ खुद उठा लेते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हक पर दूसरों की मदद करते हैं, लिहाजा आपके साथ बुरा कभी भी नहीं होगा। फिर उसके बाद हजरत खदीजतुल कुबरा अल्लाह के रसूल को अपने साथ अपने चचा के लड़के जिनका नाम था वरका बिन नौफल, उनके पास ले गए।
क्योंकि वरका बिन नौफल उस जमाने में मक्का के बहुत ज्यादा जानकार आदमी थे, पहली किताबों के इल्म उनके पास बहुत ज्यादा थे। और हजरत खदीजा ने जब पूरा का पूरा वाकया अपने वरका बिन नौफल को बताया तो वरका बिन नौफल ने कहा कि ओ ये तो वो नूर है जो अल्लाह ने तोहे तूर के ऊपर बुलाकर हजरत मूसा को दिया था, ये तो वो नामूस है जो अल्लाह ने हजरत ईसा को दिया था, और मैंने किताबों में पढ़ा है कि अल्लाह का एक नबी और आएगा उसको भी अल्लाह ये नामूस अता फरमाएंगे, मुझे लगता है कि वो नबी तुम ही हो, काश कि तुम्हें नबूवत मिले, उस वक्त मैं मुकम्मल तौर पर मजबूत हूँ तो मैं तुम्हारी मदद करूँ। हजरत खदीजा ने पूछा किस चीज़ की मदद, कि उस वो वक्त भी आएगा कि तुम्हारे ही वतन के लोग तुम्हें वतन से निकलने पर मजबूर कर देंगे, तुम्हारे अपने दुश्मन हो जाएंगे, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें अपने घर से निकलने पर मजबूर कर देंगे, अगर उस वक्त मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हारा सपोर्ट ज़रूर करूँगी। हालांकि वरका बिन नौफल का तो इंतकाल हो गया, बाद में हजरत खदीजा अल्लाह के रसूल को घर लेकर आई, और घर लेकर आई बस यही पाँच आयतें उतरी थी, इन पांच आयतों के बाद ये जो पूरी सूरत है वो तो बहुत बाद में उतरी है, तब तक बीच में कोई वही नहीं आई, बीच में कोई वही नहीं आई, और अल्लाह के रसूल और ज्यादा घबरा रहे थे कि क्या हुआ, कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। फिर वही रुक गई, तब वो आयतें उतरी थी, वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा, जो मुशरिकी ने मक्का ने आपको सताना शुरू किया, क्या क्यों आपके अल्लाह ने आपको छोड़ दिया, लोग ताना मारने की आदत होती है ना, तो उसको फतरत का जमाना कहते हैं, उस फतरत के ज़माने में अल्लाह के रसूल पर कोई वही नहीं आई। चुनांचे एक दिन बहुत दिनों के बाद अल्लाह के रसूल चादर ओढ़कर जा रहे थे, तब वही फरिश्ता उसी आसमान के अंदर अचानक लटकता हुआ नजर आया और कहा या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला, ए चादर ओढ़ने वाले कब तक चादर ओढ़ के बैठे रहेंगे, उठ जाइए अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दीजिए। तब ये दूसरी वही आई थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहरहाल बताया कि ये पांच आयतें थी जो पहली मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई, उसमें अल्लाह ने अपने नबी को फरमाया कल्ला इन्नल इंसान लयतगा, सचमुच इंसान एक ऐसी मखलूक है कि जो आपे से बाहर हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला नेमतें अगर ज़्यादा दे दे बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने आप को ही अल्लाह समझने लगता है, अगर अल्लाह थोड़े हालात और मुसीबत में डालते तो ऐसा मायूस हो जाता है कि यूँ समझता है मेरे आगे पीछे कोई है ही नहीं, सचमुच में इंसान आपे से बाहर हो जाता है। अर रआ मुस्तगना, इसलिए कि वो अपने आप को बेपरवाह समझता है। इन इला रब्बिका रुजआ, यकीनन उनको अपने अल्लाह की तरफ लौटना है। अर अय्यतल्लज़ी यनहा, भला उसे भी तो तूने नहीं देखा कि जो बंदे को रोकता है। अबदन इदा सल्ला, यानी ये अल्लाह के रसूल के बारे में आयतें उतरी है, जब अल्लाह के रसूल काबा में नमाज पढ़ते थे तो अबू जहल आपको आके रोकता था और बार बार कहता था कि मैंने आपको कितनी मर्तबा कहा है कि तुम यहाँ पर नमाज न पढ़ा करो, आइंदा अगर तुमने नमाज पढ़ी तो मैं तुम्हारी गर्दन के ऊपर अपना पैर रख दूंगा, ये अबू जहल कहता था। चुनांचे एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में थे, वो आया अल्लाह के रसूल की गर्दन पर पैर रखने के इरादे से, लेकिन क्या मालूम कुछ देख के वहीं से वापस होने लगा। काफ़ी लोग तमाशा देख रहे थे, सबने अबू जहल को कहा कि भाई क्या बात है, तू तो गया था कि मोहम्मद के गर्दन के ऊपर पैर डाल दूंगा, क्यों नहीं किया तूने? तो उसने कहा मैं गया तो था लेकिन मोहम्मद जहाँ नमाज पढ़ रहे थे उसकी चारों तरफ मुझे दहकती हुई ज़बरदस्त आग नज़र आई और मुझे ऐसा लगा कि वो आग के शरारे और आग के शौले मेरी तरफ लपक रहे हैं, इसलिए मैं पीछे को हट गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अल्लाह के फरिश्ते थे जो मेरी हिफाजत के लिए आए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसी को फरमाते वो आदमी देखता नहीं है कि जो हमारे बंदे को रोकता है। अबदन इदा सल्ला, हमारा बंदा जब नमाज पढ़ता है। अरअयत इनकान अलल हुदा, कि हमारा नबी मोहम्मद हिदायत पर नहीं है। अर अमर बित्तक्वा, या तुम्हें वो भलाई और तकवा का हुक्म नहीं करता है। अरअयत इनकद्दब व तवल्ला, क्या तुम देखते नहीं हो कि यह अबू जहल झुटला भी रहा है, रुगर्दानी भी कर रहा है। अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, क्या वो जानता नहीं है कि ऊपर वाला अल्लाह सब कुछ देख रहा है। कल्ला लइल्लम यंत लनस्फअन मिन नासिया नासियतिन काज़िबतिन खातिया, अगर वो हमारे नबी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश भी करता तो हम उसे चोटी पकड़ कर खींच लेते अल्लाह पर, और उसकी चोटी भी कैसी है, अल्लाह ने फरमाया नासियतिन काज़िबतिन खातिया, उसकी चोटी भी झूठी है और उसकी चोटी भी गुनहगार है। उस चोटी को पकड़कर अल्लाह फरमाते कि हम उसको जहन्नम के अंदर डाल देते। लिहाजा ए मोहम्मद, आपको फलियद उड़ा दिया,
आपका काम है आप लोगों को भलाई की तरफ बुलाइए। सनद उज़बानिया, हम भी उसको दोजक के अंदर डालने के लिए तैयार है। और हम अबू जहल को कहते हैं, अबू जहल ने मोहम्मद रसूलल्लाह को ये कहा था कि आइंदा अगर आप नमाज पढ़ोगे तो मैं अपनी फौज लेकर आ जाऊंगा। तो अल्लाह फरमाते हैं फलियत वो ना दिया, उसको कहो कि बुला तो अपनी फौज, हम भी अपनी फौज बुलाएंगे। सनद उज़बानिया, हमारी फौज आएगी फरिश्तों वाली फौज, फिर तुझे पता चल जाएगा। लिहाजा ए मोहम्मद, आपको इनकी बातों का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम है बस अल्लाह की इबादत में लगे रहिए। आखिरी आयत सजदे की आयत है, लिहाजा बाद में सजदा कर ले। कल्ला तुतिउहु वस्जुद वक्तरिब, अल्लाह फरमाते हैं आपको इनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, आप सजदा करते रहिए और अपने रब की तलबगारी में लगे रहिए। और उसके बाद वाली जो सूरत है सूरह इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र है, और इस सूरत के अंदर शब क़द्र की अहमियत को बयान किया गया है। अल्लाह फरमाते तुम जानते भी होंगे लैलतुल क़द्र क्या है, लैलतुल क़द्र हज़ार महीनों से बेहतर है। और ये सूरत अल्लाह ने कब उतारी थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक आदमी का तज़किरा किया कि उसने हज़ार साल तक अल्लाह की इबादत की पलक झपकाए बगैर, तो अल्लाह के नबी को रंज हुआ कि मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत की उम्र तो 60, 65, 70, 80 साल की उम्र है, मेरी उम्मत क्या करेगी। अगर पूरी ज़िंदगी इबादत में गुजार दे तब भी उनके बराबर तो हो नहीं सकती। तब अल्लाह ने इस आयत को उतारा और फरमाया खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र जो है वो हज़ार महीनों से बेहतर है। लिहाजा अगर हमें पूरी ज़िंदगी में एक भी शब कद्र अगर मिल गई मेरे भाइयों, तो अल्लाह के वहाँ हज़ार महीने इबादत करने का सवाब मिले। उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया और बड़े बड़ी मुबारक रात है वो शब कद्र, बड़ी मुबारक रात है। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते तो उतरते ही उतरते हैं, फरिश्तों के सरदार रूहुल कुद्स यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम वो भी नीचे उतरते हैं। अल्लाह तमाम फरिश्तों को कहते हैं अपनी अपनी ड्यूटी छोड़ दो, ज़मीन पर जाओ और मेरा बंदा जो भी इबादत करता है उसकी दुआ पर आमीन कहो, तमाम अपने काम छोड़ दो मेरे बंदों की दुआओं पर आमीन कहो। अल्लाह तमाम फरिश्तों को उतारते हैं और फरमाते हैं बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, हर मामले के ऊपर अल्लाह की इजाज़त से ये उतरते हैं सलाम, वो पूरी रात सलामती वाली रहती, एक दो मिनट, पाँच मिनट या एक घंटा नहीं, पूरी रात। जो रात शबे कदर की होती है वो पूरी रात सलामती वाली रहती है। कब तक, ही हत्ता मतलअल फज्र, सुबह सादिक के तुलू होने तक पूरी बरकतें रहती। अल्लाह हमें भी वो शबे कदर नसीब फरमाए। उसकी बड़ी निशानियां बयान की जाती हैं कि वो रात ही ऐसी होती है कि उस रात में जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनका दिल अपने आप रोने लगता है, दिल अपने आप नरम हो जाता है, नरमी वाली बातें दिल में आती है और दिल के अंदर एक तरह की नरमी वाली बातें दौड़ने लगती। और उस रात के बाद जब सुबह सूरज निकलता है तो उस सूरज की किरणें नहीं होती, वैसे आज सुबह सूरज निकलता है हमारे तो सूरज की शुआएँ पड़ती, सूरज की किरणों बोलते हैं ना भाई, सूरज की शुआएँ। उस रात के बाद जब सुबह सूरज निकलता है तो उस वक्त किरणें नहीं होती है, ये उसकी सबसे बड़ी निशानी। उस रात के अंदर ठंडी हवाएँ चलती, आसमानों के अंदर देखते हैं तो आसमान बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसकी चांदनी हमें कुछ कह रही, एक तरफ हर तरफ ठंडक फैली हुई रहती है, इसकी बहुत सारी निशानियां बयान की जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ये रात हमें भी नसीब फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबी करीम व अला आलिही व असहाबी अजमईन बिरहमतिक या रहमर रहीम।